सबसे खुशी की बात यह है कि तंजीम में गौसो खाजा रजा के सभी अहदेदारों और अराकीन शोरा ने यह फैसला किया कि जिस किसी भी गरीब खानदान को यह पैकेज दिया जाएगा वहां पर किसी किस्म की तस्वीर कशी नहीं होगी। और मेरे साथ जो गुजरा लॉकडाउन के बाद, मुझे एक महल्ले में इस किस्म की तकसीम के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब मैं पैकेज उनके हाथ में दिया तो मौसूफ की आंखों से आंसू आ गए और मैं बाद में उनसे माजरत खाई भी और उनसे पूछा कि भाई आखिर क्या बात गुजरी मुझसे जो आप इस कदर मायूस नज़र आ रहे हैं। तो जब उनकी ज़िंदगी के हालात सुना मैं, तो उस मौके पर मेरे भी आंखों में नमी आ गई थी और बहुत ही शुक्र अंदाज से मैं उनसे फिर एक मरतबा माफ़ी चाहा और इस बात को तय किया कि जब कभी ऐसी चीज़ें होंगी तो हम इसमें शामिल नहीं होंगे बल्कि घरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमारे दूसरे दोस्त साहिबान भी खामोशी से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हैदराबाद शहर में ऐसी कई तंजीमें हैं जो बगैर किसी फ़ोटोकशी के, तस्वीर कशी के इस कस्म के इकदाम उठा रहे हैं। मैं उनकी काबिल सताइश करते हुए दुआ गो करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस कदर खिदमत को कबूल करे और साथ ही साथ तंजीम गौसो खाजा रजा के सभी अहदेदारों का और जिम्मेदारों के साथ अराकीन शोरा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही खंदा पेशानी के साथ एक ऐसे दौर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ाए हैं, जो गरीब और मुफलिसी को देखते हुए उनके घर तक पहुँचाने के लिए तमाम अराकीन अहदेदारान अपने अपने अंदाज से इसको खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे। आमीन सुभान। तंजीम में गौसो खाजा रजा भोलेपुर मुशर्रफाबाद की जानिब से पिछले कई सालों से आवाम की फलाह बहबूदी का काम अंजाम जारी है। आज दुनिया भर में कोरोना वायरस जो मौलिक बीमारी सारी दुनिया को मुतासिर कर गई, इसके खिलाफ सारी दुनिया के लोग मुतहदा तौर पर इस बीमारी के खात्मे के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसे हालात में जबकि 22 अप्रैल के दिन जो 22 मार्च के दिन जो हिंदुस्तान भर में और रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन का ऐलान किया गया, उसके बाद से मुसलसिल कई ऐसे गरीब लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजर बसर करते थे और साथ ही साथ ठेला बंडी चलाने वाले, रक्षा चलाने वाले, ऑटो ट्राली चलाने वाले, जिनके पास रोज़ाना के हिसाब से मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते थे, ऐसे अफराद को तंजीम गौसो खाजा रजा के सभी
उम्मीदवारों और अराकेन शोरा ने खासतौर पर इस गोलखपुर मुशराबाद की सरजमीन पर घर घर पहुंचकर सर्वे किया और इस बात को जानने की कोशिश की कि ऐसे कई अपराध हैं जो बहुत ही कसमा कुर्सी के आलम में इस बात को एहसास का इस बात का एहसास करते हुए तंजीम गौसो खाजा रजा के सभी अहदेदारों और अराकेन शोरा ने बहुत ही खंदा परेशानी के साथ इन गरीब अफराद में इस राशन का पैकेज देने का जो फैसला किया मैं उसका खैर मुकदम करता हूं और इनकी सफाई भी करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला इस तंजीम के सभी जिम्मेदारों को अराकेन शोरा को जो जो भी इस तंजीम से मुंसलिक है उन सबको इसका अजर दे और मैं इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला इस खतरनाक कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए हम सबको मुतहदा तौर पर काम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला से मेरी और एक दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोरोना बीमारी के खात्मे के लिए अपने करिश्माती तौर पर इसके खात्मे का फौरी तौर पर अपने इकदाम करें क्योंकि इस खतरनाक बीमारी से कई ऐसे अफराद हैं जो लाखों की तादाद में मुतासर हुए और कई अफराद इसकी मौत के आगोश में चले गए। अल्लाह ताला हमको शहीद का दर्जा दे और जो भी खानदान इस बीमारी से मुतासर है जल्द से जल्द उन्हें शहीद याद करे। आमीन सुम्मा।